हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा वो है क्लीनो के शू क्लीनर वाइप्स। मार्केट में काफ़ी तरीके के वाइप्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, बट मैंने रिसेंटली अभी ये परचेस किया जिसके अंदर 50 वाइप्स आपको मिलेंगे आपके शूज़ क्लीन करने के लिए। नॉर्मली तो हम अपने जूतों को धोते हैं फिर उसमें सूखने का वेट करते हैं, बट आई गेस क्लीनिंग वाइप्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अगर आपको जल्दी कहीं जाना और आपके शू गंदे हैं देन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है, बस आपको यहाँ का स्लैब ओपन करके एक वाइप निकालना है देन क्लीन करनी है। बट अभी मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया, मुझे भी इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उसको ओपन करेंगे। बट ओपन करने से पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे सेम क्लीनो जो कंपनी है उसके काफ़ी सारे वाइप्स अवेलेबल हैं स्किन के लिए भी और सर्फेस के लिए भी, बट पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर है सेफ ऑन लेदर, नायलॉन, स्नीकर्स, मिडसोल, कैनवास, हेल्प टू क्लीन टफर स्पॉट्स, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टोर ओरिजिनल शाइन। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी ओरिजिनल शाइन वापस आ जाएगी। इजी टू यूज़ है, यहाँ पे देखो बना भी हुआ है किस तरीके से आपको बॉक्स में से वाइप निकालने हैं। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डर्ट, जर्म एंड स्टेन। वेयर टू यूज़, आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं। मैन्युफैक्चरर अगर हम चेक करें, यहाँ गुजरात का एड्रेस है और कंपनी के कुछ सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जैसे इंस्टाग्राम, आपको मेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे है और इनकी खुद की वेबसाइट भी है cleanoin.com। यहाँ पे दिया हुआ है कितने वाइप्स इसके अंदर आएंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूँ तो ये रिसेंटली ही बना है एंड इसका एक्सपायर है 2025। MRP 325 यहाँ पे मेंशन है, बट अमेजोन से मुझे 260 का मिला था। यहाँ पे बार कोड बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्शन टू यूजर्स लिखे हुए हैं। Remove one wipe from the container with clean hands. Wipe surface evenly for a more hygienic clean. तो काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अगर को उसको पढ़ूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है कि इस बॉक्स को कहाँ रखना है आपको और किस टाइप के प्रिकॉशंस आपको यूज़ करने हैं इसको वाइप को यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको फ्रूट और वेजिटेबल्स पे यूज़ ना करें। एंड कॉशंस लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या कॉशंस यूज़ करने चाहिए। एंड ट्राई करें कि बच्चों से इसको दूर रखें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल मिला हुआ है। एंड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस किस टाइप के इसमें इंग्रेडिएंट ऐड है वाइप के अंदर जो कि आपको शू को काफ़ी ज़्यादा क्लीन बनाते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे यूज़ होगा। बॉक्स ओपन करेंगे। वाइप को हम कैसे पुल करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट लेट मी सी। बीच में से हमें इस वाइप को निकालना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने वाइप को निकाल दिया है। अब मैं इसको पैक कर दूंगा। A few moments later, मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको सेट करने के लिए, बट इस तरीके से आप अपने वाइप को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। एंड जिसको जितना स्ट्राइप्स हैं 50, तो आप उसको यहाँ पे अच्छे से अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कट लगे हुए हैं, आप इसको इजीली यहाँ से निकालेंगे। एंड देन ये जो वाइप है आप इससे शू क्लीन करेंगे। इसकी जो फ्रेगनेंस है काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे हैं मुझे। एंड देन आप इसको फोल्ड करके शू को आप जैसे रब करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इस तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।